दमयंती की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी में हम लड्डू गोपाल के भोग की थाली तैयार करेंगे। इसके अंदर हम ये मगज की बर्फी बनाई है, धनिया की पंजीरी बनाई है, नारियल का हलवा बनाया है, केसरी पेड़े बनाए हैं, गोंद पाक के लड्डू बनाए हैं और अजवाइन बनाई है और ये हमारे रोस्टेड काजू हैं। तो आप देखिए कितनी सुंदर है, इसको कैसे बनाया, आइए आज अपन सब मिलके वो भोग बनाते हैं और आप भी प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। फिर अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको। सबसे पहले अपन गूंद पाक बनाएंगे। गूंद पाक में हमने ये सब मिक्स मेवे लिए हैं, इनको रोस्ट करेंगे। सिंगाड़े का आटा लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम ही हमने चीनी ली है, थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून नारियल लिया है पिसा हुआ, 50 ग्राम हमने गोंद लिया है पिसा हुआ, इलायची पाउडर लिया 1 टीस्पून और 2 हमने ये अंजीर काटे हैं और 2 ही छुहारे काटे हुए हैं और 100 ग्राम ही घी लिया है। अब हम इसको पहले कढ़ाई गरम करके इसको घी को गरम करेंगे। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये आटा डालेंगे। आटे को बिल्कुल मंदी आँच में सेकना है क्योंकि धीमे धीमे हमें जल्दी में तो आटा जल जाएगा। अभी हमारा आटा सिकने आ रहा है, देखो हल्का हल्का गोल्डन कलर ले रहा है। अभी हमारा आटा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें गोंद ऐड करेंगे। गोंद को भी फुलाना है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस गरम उसमें ही हम है ना सारे ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा चलाएंगे इसको, तो अपने आप ही इसमें रोस्ट हो जाएंगे। ये ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो चुके हैं, इसको गैस से उतार के हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में इसमें चीनी मिलाएंगे। अब हम इसमें नारियल ऐड करेंगे और चीनी ऐड करेंगे, अंजीर ऐड करेंगे, छुहारे ऐड करेंगे और थोड़ी केसर की पत्तियाँ ऐड करेंगे इसमें और इलायची पाउडर डालेंगे। हाथ से जो मिक्स होती है और जो टेस्ट बहुत ज़्यादा हाथ से टेस्ट बढ़ता है। अब हम मिंजी पाक बनाएंगे। ये शक्कर लिए हमने 100 ग्राम, खसखस लिए 50 ग्राम, 50 ग्राम हमने बादाम लिए हैं, 50 ग्राम ही मतीरे की मिंजी ली है, खरबूजे की मिंजी 50 ग्राम ली है, थोड़ा सा केसर लिया है, इलायची ली है और 50 ग्राम ही मखाने लिए हैं। अब इनको सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद में हम इसको दरदरा पीसेंगे। तो आओ पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा घी डाल के और रोस्ट करते हैं। पहले हम सब सारे ये मिंजी और ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद में फिर इसमें हम मखाने डालेंगे क्योंकि मखाने साथ में डालने से जल जाते हैं वो। अब हमारे ये थोड़े सिकने आए हैं, अब हम इसमें मखाने ऐड करेंगे रोस्ट करने। अभी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब ये हम ठंडे करने के लिए रखेंगे। तब तक हम चाशनी तैयार करते हैं। 100 ग्राम चीनी इसमें डाली है, इसको भीगने तक हम इसमें पानी डालेंगे और इसको चलाते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे। अगर पानी अपन ज़्यादा डालेंगे तो देर में बनेगी चाशनी, नहीं तो जल्दी बन जाएगी। अभी हमारी चाशनी बनने वाली है, अब हमारी ये चाशनी रेडी है। अब हम इसमें वो थोड़ा मिक्सी के अंदर हमने दरदरा पीसा है इसमें मिलाएंगे। चाशनी को हमने पैन में ऐड कर दिया, अब हम मिक्सी में जो हमने दरदरा पीसा था हम इसको मिला लेंगे और हम गैस बंद कर देंगे। गैस थोड़ा सा केसर डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। मिला के और एक छोटी थाली ग्रीस करके रखी हुई है उसमें ये हमारा हो चुका है। अब हम इस थाली में सेट करने के लिए रख दिया, डाल के फिर हम बर्फी काटेंगे इसकी। अब हम अजवाइन बनाएंगे, जो जन्माष्टमी पे बहुत ज़रूरी होता है भगवान का भोग और वो उनको बहुत अति प्रिय है, तो उसके लिए हमने अजवाइन और ये ड्राई फ्रूट मिक्स लिए हैं, गोंद लिया है, इलायची पाउडर है, घी है और ये पिसी हुई शक्कर है। सबसे पहले पैन गरम करेंगे। 50 ग्राम अजवाइन के साथ 50 ग्राम घी लग जाता है क्योंकि गोंद जो है वो घी लेता है। ये हमारा घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें गोंद ऐड करेंगे और अब हम इसमें अजवाइन और ये सब डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर गैस पर ही हम इसको चलाएँगे क्योंकि अजवाइन ज़्यादा तेज गरम नहीं करना होता है। 50 ग्राम ही नारियल बुरादा ऐड करेंगे, गरम गरम में चलाएंगे। अब इसको भी गैस से उतार के रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने पर शक्कर मिलाएंगे, ये इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको ठंडा करके हम इसमें चीनी मिलाएंगे।
ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें 50 ग्राम शक्कर मिला रहे हैं। अब इसको हाथ से मिला के और हम एक बाउल में ले लेंगे। अभी हमारी बाग तैयार हो चुकी है, देखो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इनको काटेंगे, सूख चुकी है और देखो ऐसे हमारी बर्फी तैयार हुई है। अब हम इसको भी बाउल में लेके भगवान की भोग के लिए तैयार करेंगे। अब हम धनिया की पंजीरी बनाएंगे, उसके लिए 50 ग्राम मावा हमने लिया है, 50 ग्राम धनिया पाउडर और थोड़े से मेवे डाले अंदर, 50 ग्राम ही शक्कर है, इलायची पाउडर है, थोड़ी सी किशमिश ली और ये पिसा हुआ गोंद लिया है और घी है। तो सबसे पहले हम घी गर्म करेंगे। अब घी गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें गोंद डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो एक दिन डालने से ये गांठें बन जाएगी इसकी। अब हम इसी में जो मावा है वो हमने ऐड किया है और अब हम इसमें धनिया और ये सब डालेंगे। 2 मिनट रोस्ट करके और गैस बंद कर देंगे, हम बंद करके हम 2 मिनट इसी के ऊपर चलाएंगे। अब ये अच्छा हमारा मिक्स और अच्छे से भुन भी चुका है। अब हम इसमें शक्कर मिला देंगे, अच्छे से शक्कर मिला के और इसमें ये थोड़ी सी किशमिश डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। हमारी ये तैयार हो चुकी है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करके और एक बाउल में भोग के लिए तैयार करेंगे। अब हम फ्रेश नारियल का हलवा बनाएंगे। नारियल लिया हमने एक ग्रेट करके छील के, ये हमारा 100 ग्राम मावा है, इलायची पाउडर है, सब चीनी है 50 ग्राम और घी है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम करके पहले नारियल भूनेंगे। नारियल भून चुका है, अब इसमें मावा ऐड करेंगे। ये सब मीडियम आंच पे करना है, अपन को तेज़ आंच पे नहीं करना है, मीडियम लो पे करना है, इससे अपना बहुत अच्छा सिकेगा। अब ये मावा हमारा सिक्के और अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसमें, ये सब इसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, तो हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा पिस्ते डालेंगे, पिस्ते से कलर बहुत अच्छा लगता है, और हमने थोड़ा केसर भिगाया रखा था वो केसर ऐड करेंगे। गैस बंद करते हुए थोड़ी 2 मिनट गैस पे ही चलाएंगे इसको। अब हम केसरी पेड़े बनाएंगे, इसके लिए हमने मावा लिया है, चीनी ली है, पिसी हुई इलायची ली है और भीगा हुआ केसर लिया है। गैस गर्म करके कढ़ाई पे थोड़ा पहले मावा सेकेंगे हम, हमारा मावा सिक चुका है। अब हम गैस को एकदम धीमे करके इसमें चीनी डालेंगे, चीनी मिलाएंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा केसर डालेंगे लिटिल बिट। ये केसरी पेड़े ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अति प्रिय है, इसलिए ये भोग में ज़रूर लगते हैं, तो प्लीज़ आप जो भी बनाएं भोग में ज़रूर लगाइएगा ये। अब हमारा सारा भोग बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ठाकुर जी को भी बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम रोस्टेड काजू रखेंगे, फिर जो ठाकुर जी को अति प्रिय हम ये पेड़े रखेंगे, केसरी पेड़े रखे हैं, फिर हम ये गूंद पाक के लड्डू रखेंगे, अजवाइन रखेंगे इसमें, ये हमने मगज की चक्की बनाई थी वो रखेंगे, ये हमने धनिया की पंजीरी बनाई थी वो रखेंगे, और ये हमारा कोकोनट हलवा है। आप देखिए वृंदावन में जन्माष्टमी पे ये ज़रूर ठाकुर जी के और लड्डू गोपाल को भोग लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही अच्छा बना है। प्लीज़ आप ये ज़रूर बनाइएगा और बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी।